हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज का रिक्रूटमेंट आईटीबीपी से है, राइट? सो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस से, राइट? जिसमें कि मेडिकल से रिलेटेड रिक्रूटमेंट है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, अप्लीकेशन फी, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा कुछ मैं आपको ब्रीफ में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो यहाँ पर देखेंगे गाइस, ये है, ये यहाँ से आपको कैसे फॉर्म फिल करना है ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ कितनी वैकेंसी है। सो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का रिक्रूटमेंट है, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स, राइट? स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये जो है चार अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 5 वैकेंसी है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 176 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट 164 वैकेंसी है, टोटल 345 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 345 वैकेंसी है। ओके, सो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS, ठीक है? और यहाँ पर इसके अलावा ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा मांगा है रिलेटेड स्पेशलिस्ट, ठीक है? MD चाहिए। ओके, उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे गाइस, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट। ओके, सो डिप्टी कमांडेंट के लिए यहाँ पर MBBS के बाद आपका जो है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट अगेन दिया है। सभी के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट कंपल्सन रखा गया है, ठीक है? मैक्सिमम 50 एज दिया गया है। सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 40 है, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए एंड मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडर 30 दिया गया है, ठीक है? तो ये है। नाउ अब बात करते हैं इसमें मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन में डॉक्यूमेंट एंड इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू 200 मार्क्स का होगा, इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा एंड फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये चार पार्ट में आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे गाइस, ओके, सो 200 नंबर का इंटरव्यू होगा, है ना? इंटरव्यू विल बी कैरी 200 मार्क्स, जिसका 40% वेटेज लिया जाएगा, है ना, 80 मार्क्स। उसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल फीमेल का यहाँ पर हाइट दिया गया है, और जो कि गोरखास हैं, गढ़वालीज हैं, कुमायूं, डोगरास, मराठास, इन सबको जो है 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा एंड 3 सेंटीमीटर जो है ST कैंडिडेट को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर चेस्ट है 77 to 82 होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद, फीमेल के लिए अप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा मेडिकल होगा, मेडिकल में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। ओके, सो इसी बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन कंप्लीट होगा। मेडिकल में यहाँ पर टर्म दिया है आईज का, राइट? ओके, सो ये सारी चीजें हैं। नाउ दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे, ओके, सो सैलरी स्ट्रक्चर जो है 12th लेवल का है, तो यहाँ पर 78,800 से लेके 2,09,200 तक सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया है। वहीं स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के लिए 67,700 से लेके 2,08,700 तक है। 11 का पे लेवल है, इसमें जो है मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट 56,100 से लेके 1,77,500 तक है। ये सैलरी पैकेज यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपीज़ रखा गया है। ओके, सो एंड देन फिर आपको अप्लाई कब करना है, 2 साल का बॉन्ड है, आप जॉब नहीं छोड़ सकते 2 साल तक। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा देन फिर यहाँ पर 400 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है ना, जनरल OBC इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए। और recruitment.itbppolice.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इसको। और आपके पास टाइम है अभी, नवंबर तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका यहाँ पर टाइमलाइन दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट डेट क्या है इसका। एग्जैक्ट डेट यहाँ पर देखेंगे गाइस, तो ओके,
14 नवंबर एग्जैक्ट डेट है, 14 नवंबर तक आप अप्लाई कर लीजिए। सो गुड लक गाइस, मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।